हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ केरीज। केरीज का क्लासिफिकेशन समझेंगे अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट, कहां कहां इन्वॉल्व होती है, किस किस सरफेस को इन्वॉल्व करती है, उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे केरीज को। और ये केरीज के ऊपर वीडियो हम सीरीज में बनाएंगे, जैसे हमने पहले RCT पे सीरीज में बनाए थे, वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो केरीज की सीरीज में सारा कुछ इसके बारे में बताएंगे, केरीज के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, एक एक केरीज के कैविटी प्रिपरेशन के बारे में डेमोस्ट्रेशन करके समझेंगे। तो अगर आप हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ केरीज। तो सबसे पहले आती है क्लास वन केरीज। जो क्लास वन केरीज होती हैं वो पोस्टीरियर्स के ओक्लूजल सरफेस पर होती हैं। जो हमारे मोलार्स होते हैं, प्री मोलार्स होते हैं, उसके ओक्लूजल सरफेस पर होती है और एंटीरियर्स के लिंगुअल सरफेस पर होती है। ये हमारा क्लास वन केरीज हो गया। इसके बाद आता है क्लास टू केरीज। जो क्लास टू केरीज होती हैं वो होती हैं प्रॉक्सिमल सरफेस में, पोस्टीरियर्स के प्रॉक्सिमल सरफेस में। मतलब कि जो प्री मोलर्स हमारे होते हैं, मोलर्स होते हैं, उनके जो प्रॉक्सिमल सरफेस होता है, बीच में दांतों के जो केरीज होती है, दो दांतों के बीच में जो केरीज होती है, उसको हम क्लास टू केरीज बोलते हैं। कुछ केसेस में क्लास टू केरीज सिर्फ प्रॉक्सिमल सरफेसेस में ही होती हैं, दांतों के बीच में ही होती हैं, दो दांतों के, और कुछ केसेस में ये ऑक्लूजल सरफेस को भी इन्वॉल्व करती हैं। प्रॉक्सिमल सरफेस के साथ साथ ऑक्लूजल सरफेस को भी इन्वॉल्व करती हैं। तो ये हमारा हो गया क्लास टू केरीज। इसके बाद आता है क्लास थ्री केरीज। तो जो क्लास थ्री केरीज होती है वो प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ एंटीरियर्स में होती है। जो एंटीरियर्स का प्रॉक्सिमल सरफेस होता है उनमें होती है ये केरीज। प्रॉक्सिमल सरफेस में ही होती है एंटीरियर्स के, और इंसाइजल सरफेस को इन्वॉल्व नहीं करती हैं। मतलब जैसे पोस्टीरियर्स के प्रॉक्सिमल सरफेस में केरीज हो रही थी उसको हम क्लास टू केरीज बोल रहे थे, वैसे ही अगर एंटीरियर्स के प्रॉक्सिमल सरफेस में केरीज होती है तो उसको हम क्लास थ्री केरीज बोलते हैं, लेकिन इसमें ये इंसाइजल एज को इन्वॉल्व नहीं करती हैं। तो ये हो गया क्लास थ्री केरीज। इसके बाद आते हैं क्लास फोर केरीज में। तो जो क्लास फोर केरीज होती है वो इंसाइजल एज को इन्वॉल्व कर लेंगी, मतलब कि एंटीरियर्स में प्रॉक्सिमल सरफेस के साथ साथ इंसाइजल एज को भी इन्वॉल्व कर लेंगी। आप यहाँ फोटोज में भी देख सकते हैं, सभी केरीज का फोटोज में साथ साथ में आपको दिखाई रहा हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये हो गया हमारा क्लास फोर केरीज, जो एंटीरियर्स के प्रॉक्सिमल सरफेस में होगी और इन्वॉल्व करेगी इंसाइजल एज को। तो ये क्लास थ्री और क्लास फोर में डिफरेंस है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद आते हैं क्लास फाइव केरीज में। तो जो क्लास फाइव केरीज होती हैं वो होती हैं सर्वाइकल थर्ड ऑफ टूथ में। जो टूथ का सर्वाइकल थर्ड एरिया होता है, जो जिंजाइबा के पास वाला एरिया होता है, उसमें होती है, फोटो में आप देख सकते हैं। और ये एंटीरियर्स में हो सकती हैं, पोस्टीरियर्स में, कहीं भी हो सकती हैं, बक्कल सरफेस में हो सकती हैं, पैलेटल सरफेस में हो सकती हैं, लेबियल सरफेस में हो सकती हैं, लिंगुअल सरफेस में हो सकती हैं, कहीं भी अगर सर्वाइकल थर्ड में है, जिंजाइबा के पास है केरीज, तो ये क्लास फाइव केरीज होती हैं। इसके बाद आते हैं क्लास सिक्स केरीज में, लास्ट केरीज में। तो जो क्लास सिक्स केरीज होती हैं वो होती हैं पोस्टीरियर्स के कस्प में, जो कस्प होते हैं पोस्टीरियर्स में, उनमें होती है, और एंटीरियर्स के इंसाइजल एज में होती है। जो सिर्फ इंसाइजल एज में होगा और पोस्टीरियर्स में कस्प में होगा, उनको हम क्लास सिक्स केरीज बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। तो अच्छे से आपको याद रखना है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। क्लास वन ओक्लूजल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर्स, क्लास टू प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर्स, क्लास थ्री जो होती है वो होती है प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ एंटीरियर बट नॉट इन्वॉल्विंग इंसाइजल एज, क्लास फोर जो होती है हमारी वो होती है प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ एंटीरियर्स इन्वॉल्विंग दी इंसाइजल एज, तो इंसाइजल एज को इन्वॉल्व भी करेगी प्रॉक्सिमल सरफेस के साथ साथ। इसके बाद आते हैं क्लास फाइव। तो ये है सर्वाइकल थर्ड ऑफ टूथ, किसी भी सरफेस में सर्वाइकल थर्ड एरिया में होगी, क्लास फाइव केरीज। इसके बाद क्लास सिक्स जो है वो कस्प में और इंसाइजल एज में, पोस्टीरियर के कस्प में और एंटीरियर्स के इंसाइजल एज में होगी। तो ये हमारा केरीज का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ यहीं पर हमारा वीडियो भी आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि किन टॉपिक पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।